अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं कराची 2 डेज़ के लिए, और ये हम कोटरी हमने ब्रिज क्रॉस किया, अब हम कराची के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। और जो वीकेंड आ रहा था और सोचा कि बच्चों को घुमा के लेकर आएं, तो ये रास्ते में खाते पीते जा रहे हैं। रास्ता हो और खाना पीना ना हो, ये कैसे हो सकता है? और बच्चों के साथ तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। ये जी मेरी बेटी सो गई हैं और हम पहुंच गए हैं कराची, और अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। बच्चों को रेडी किया और फिर फॉरएवर एलोवेरा जेल मेरा साथी, और मेरे पर्स में ये ज़रूर लाजमी होती है ये बॉटल। जी हम पहुंच गए हैं साइमा मॉल, मिलीनियम मॉल, और कुछ हमने शॉपिंग की, देख रहे थे ड्रेसेस कौन सा पसंद है, कौन सा आ रहा है पसंद, कौन सा नहीं। ये हमने थोड़ा सा छोटा सा मिनी पिज्ज़ा ख़रीदा मैंने अपनी बेटी के लिए, और अब हम घर जा रहे हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा उसको फास्ट किया, स्पीड अप किया है ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। और फिर हमने सूप ऑर्डर किया, ये कुछ शॉपिंग थी जो हमने की। नेक्स्ट डे मेरी बेटी, मेरी भतीजी रेडी हो गए, हम सब रेडी हो गए और हम जा रहे हैं वापस शॉपिंग पर। जी अब हम पहुंच गए हैं चेज़, और चेज़ अब पहुंच कर बच्चों ने जो उधम मचाया कुछ कह नहीं सकती मैं। अब हमने देखा कि काफ़ी अच्छी आए हुए थे क्लॉथ्स, आए हुए थे काफ़ी अच्छी न्यू अराइवल्स आए हुए थे, और वो हमने लिए। साथ में ये मेरा भतीजा है, माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं प्यारे प्यारे। और वहाँ पर कोई और फ्रेंड, न्यू फ्रेंड जो है उससे मुलाकात हो गई, अब उनसे हेलो हाय हो रही है। और ये है हमारे बच्चों का फेवरेट कॉर्नर, जहाँ पर बच्चे अपनी अपनी बास्केट्स लेकर और उसको फुल करने लगे हुए थे इनके पेंसिल कलर्स। और ये मेरे भतीजा जो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं हर छोटी छोटी बात पर, और उनको मनाना भी आता है बहुत अच्छे से, ये भाई मान गए। जी अब हम आए हैं शूज़ कॉर्नर पर। यहाँ पर मेरे भतीजे साहब जो हैं वो, उन्होंने कहा कि मम्मा मेरी अभी सुन नहीं रही हैं तो खुद ही काम कर लिया जाए, तो उन्होंने खुद अंकल को शूज़ का कहा पहनाने को, खुद पसंद किए और अंकल ने भी उनका भरपूर साथ दिया। लो जी हो गए रेडी, और फिर ये अब हमें वॉक करके दिखाएंगे। ये थोड़ा परेशान करा था कि ये यहाँ पर क्यों रखा हुआ है शूज़। ओके जी ये बिलिंग हो गई है, जब आप खुद वर्किंग कर रहे होते हैं तो बिलिंग करवाने में मज़ा आता है। अब हम फिर घर चले गए थे, और घर से फिर हम बच्चों को फिर रेडी करके, खाना खा के रेडी करके लेकर आए फन पैक्स। और ये अमेजिंग अमेजिंग जगह है, यहाँ बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ये जो पीछे से टिन 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 हो रही है मेरे मोबाइल में, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और आपको पता है एक बिजनेस वूमेन के लिए ये टिन 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 मोबाइल हर वक्त होना तो ये एक नॉर्मल सी बात है, और आप मेरे हमारे बच्चों की खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं वीडियो को देखते हुए कि कितना हमारे बच्चों ने माशाल्लाह एंजॉय किया और कितना हैप्पी है ये। माशाल्लाह बहुत प्यारी प्लेस है ये फन पैक्स, बहुत बहुत प्यारी प्लेस है। हर तरह की एक्टिविटी है यहाँ पर, और बहुत साफ़ सुथरा एरिया है, बहुत छोटा लेकिन साफ़ सुथरा एरिया है। छोटा सा इन्होंने बेडरूम भी बनाया हुआ है, छोटा सा ड्राइंग रूम है बच्चों का, बहुत बहुत छोटे बच्चों के लिए भी है, थोड़े से बड़े बच्चों के लिए भी है, 6 to 7 ईयर्स 8 ईयर्स बच्चों के लिए भी है। तो कलर पेंसिल्स, एक्टिविटीज़, कलरिंग और टॉयज़, बहुत छोटे छोटे से बच्चों के लिए भी बेहतरीन से इन्होंने टॉयज़ रखे हुए हैं, बहुत ही प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है। और आप देख सकते हैं वीडियो में कितने मसरूफ़ हैं हमारे बच्चे माशाल्लाह, बस इन्हीं से ही रौनक है। और फिर ये जंपिंग जोन आ गया, जहाँ पर ये जो हमारी बच्चियाँ हैं बेटियाँ हैं वो जंपिंग करने में लगी हुई थी और बहुत बहुत हैप्पी थी माशाल्लाह।
तो अब मेरी बेटी जो है वो ये चाह रही हैं कि बहुत ऊंची ऊंची जंपिंग करना चाह रही हैं। और मेरी बेटी माशाल्लाह 5 ईयर्स की हैं और अंकल ने बहुत अच्छे से हेल्प की जी। अब थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हो जाए, क्योंकि ये वॉल बहुत प्यारी थी तो सोचा थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हो जाए। और ये इन्होंने कुछ स्लाइड्स भी थी अंदर बच्चों की मोस्ट फेवरेट, और बहुत अच्छा सा था, बहुत प्यारा साफ़ सुथरा, हेल्पर बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ के, और बच्चों के साथ साथ थे हेल्पर्स भी कि बच्चों को चोट ना लग जाए या कुछ चीज़ है जो चीज़ कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है तो वो भी उनको ईजीली मिल जाए। तो ये गए हमारे बच्चे माशाल्लाह। और ये बहुत स्पीड अप में है वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली थी और अगर स्लो वर्जन में दिखाते तो थोड़ा आप भी बोर हो जाते। तो ये वहाँ से बेडरूम से एक छोटी सी इन्होंने एक बैल्कनी टाइप बनाई हुई है जहाँ से मेरी बेटियाँ देख रही थी अपने भाई को। और आखिर में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक एक्टिविटी भी अरेंज की, और जितने भी हेल्पर्स थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पोएम्स में बेबी शार्क और बहुत सारी पोएम्स में जो है वो परफॉर्म किया। और जितने भी बच्चे आए हुए थे बाकायदा उनकी ज़बरदस्त किस्म की एक एक्टिविटी करवाई, और ये बड़ा अच्छा एक जो है ना वो एक और प्लस पॉइंट है यहाँ का कि जो एक लेज़ी बच्चा भी है वो भी एक्टिव हो जाए। अब बहुत सारा इंजॉय करने के बाद थोड़ा कुछ खाना पीना हो जाए तो रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे, और बच्चे साथ हों और मैकडोनल्ड्स ना हो ये कैसे हो सकता है। सो मैकडोनल्ड्स आए और बड़े साथ हों तो कॉफ़ी तो और हॉट चॉकलेट तो बनती है। मॉर्निंग हो गई, नेक्स्ट डे यूनाइटेड किंग गए, वहाँ पर हमारी मोस्ट फेवरेट बिस्किट्स हमने लिए, और बच्चे बिल्कुल नाइटी स्लीपिंग सूट पे थे। घर गए, नाश्ता किया, अब वापस हैदराबाद जाने का टाइम आ गया है। सो हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।